आइए अब खबर शामिल करते हैं। वज़ीरे ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए हमें कोई दबाव नहीं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर हारिस भट्टी से। जी हारिस भट्टी, वज़ीरे ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इसराइल के बारे में यूएई का मौक़िफ़ सुना और इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया, लिहाजा इसराइल को तस्लीम करने के लिए हम पर कोई प्रेशर नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद से मुलाकात की और दुबई के वज़ीरे ख़ारिजा से तवील नशिस्त में वीजे के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अरब अमारात में वीजे की पाबंदी आर्जी है। इन्होंने कहा कि दुबई शारजा में पाकिस्तानियों की अक्सरियत रोजगार के लिए मुकीम है। यूएई हुक्मरान समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई नेमुल बदल नहीं, वीजा बंदिश के मामला जल्द हल हो जाएंगे। वज़ीरे ख़ारिजा का मजीद कहना था कि मसला कश्मीर यूएई के हुक्मरानों को एतमाद में लिया, इसराइल के बारे में यूएई का मौकफ सुना और समझा। मैंने इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौकफ पेश किया। इसराइल को तस्लीम करने के लिए हम पर कोई प्रेशर नहीं।